हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा किचन। आज के इस वीडियो में हम लोग बनाने जा रहे हैं चावल के पापड़। बहुत क्रिस्पी बनते हैं और चाय के साथ खाओगे तो मज़े ही आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे लिया है राइस फ्लोर, चावल का आटा, 4 कप जीरा पाउडर, नमक और साबूदाने को हमें पीस लेना है। मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ली है, उसमें हमें पानी डालना है। 4 कप पानी डालेंगे। और इसे उबलने दें। तो यहाँ पे मैंने जो चावल का आटा लिया है, इसमें हम जीरा पाउडर डालेंगे। पूरा 1 टेबलस्पून जीरा पाउडर डालिएगा। नमक स्वाद अनुसार डालिए या फिर 1/2 टेबलस्पून। और ये साबूदाने का पाउडर मैंने पीस लिया है, ये देखिए। टू टेबल स्पून साबूदाने का पाउडर डाल लीजिएगा और इन्हें अच्छी तरह मिला लीजिए। साबूदाने से क्रिस्पी बनते हैं हमारे पापड़। ये देखिए, पानी उबल चुके हैं। अब हम इसके अंदर तेल डालेंगे, 1 टेबलस्पून तेल, और 1 मिनट उबलने दे। उबलने के बाद जो हमने फ्लोर मिक्स करके रखा था वो इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करते हुए डाल लीजिए। मिक्स करते हुए थोड़ा थोड़ा करते हुए डाल लीजिए। मीडियम फ्लेम में रख के आपको करना है। अब आप ढक्कन रख दीजिए। ये देखिए, 2 मिनट में ये अच्छी तरह पक चुके हैं। एक और बार मिला लेते हैं इसे। लो फ्लेम में रख के आप कुक कीजिएगा। हमें फिर से ढक्कन रख के इसे और 5-10 मिनट तक कुक करेंगे। ये देखिए, जब आटा अच्छी तरह पक जाएगा उसके बाद थोड़ा सा कलर बदलेगा, तब आपको पता चल जाएगा कि आटा अच्छी तरह पक चुका है। दस पंद्रह मिनट हो गया और चेक कर लीजिएगा। ये देखिए, आटा अच्छी तरह बन चुका है। ये देखिए, आप ऐसे टेस्ट कर सकते हैं, अच्छी तरह पक चुका है आटा। हाथों को नहीं चिपकेगा। अब आप इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पे पूरी का प्रेस लिया है। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा इसके अंदर से आप निकाल के बड़े बाउल में डाल लीजिएगा। इस तरह बड़े वाले परात में डाल लीजिए। अब हम इसे अच्छी तरह मसलते हुए गूंदेंगे। थोड़ा सा तेल लगा लीजिएगा हाथों को।
और देखिए इस तरह मसलते हुए अच्छी तरह डो बना लेना है। थोड़ा गरम होगा पर गरम में करेंगे तो अच्छी तरह डो बनेगा। ये देखिए इस तरह। थोड़ा थोड़ा करते हुए कीजिएगा, पूरा एक ही बार में करेंगे तो ड्राई हो जाएगा। या तो आप इस तरह के का बेलन के टिप से मारेंगे तो इसके अंदर कोई भी लम्स होंगे तो वो आसानी से टूट जाएंगे और बिल्कुल सॉफ्ट बनेगा डो। इससे क्या होगा, हमारा पापड़ अच्छी तरह फूलेगा। अब हम फिर से इसे अच्छी तरह मस लेंगे। पाँच से दस मिनट तक हमें इन्हें इसी तरह मसलते रहना है। थोड़ा तेल डाल लीजिएगा अगर आपको लगता है हाथ में चिपक रहा है तो। ये देखिए इस तरह मारते हुए कीजिएगा उसके साथ। बिल्कुल क्रिस्पी बनेंगे हमारे पापड़ अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो। ये देखिए हमारा डो बन चुका है। इसमें से थोड़ा सा पार्ट ले लेंगे और छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे इस तरह। और इन्हें मसलते हुए अच्छी तरह बॉल बना लेंगे। ये देखिए इस तरह मसलना है और ये अच्छी तरह बॉल बन जाएंगे। इसमें क्रैक्स भी नहीं होने चाहिए। इसी तरह सारे बना लीजिएगा। ये देखिए मैंने पहले थोड़े आटे का बना लिया है। ये देखिए इस तरीके का प्रेस लिया है मैंने। इसके ऊपर आप कोई भी प्लास्टिक पॉलिथीन रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे ऑयल की पॉलिथीन को हाफ में कट करके यूज़ किया है। इससे क्या होगा, नीचे इतना ऑयल लगाने का भी ज़रूरत नहीं पड़ता, पर तब भी आप लगा लीजिएगा थोड़ी सी ऑयल। इस तरीके से ग्रीस कर लीजिए और एक बॉल ले लीजिएगा और इस तरह ढक के प्रेस कर लीजिएगा। ये देखिए कितनी आसानी से निकल गए हैं और ये ना ज़्यादा पतले हैं और ना ज़्यादा मोटे हैं, बिल्कुल अच्छे शेप में बने हैं। अब हम इन्हें इस तरह डाल लेंगे। हमें इन्हें धूप में नहीं बनाना और ना ही इन्हें धूप में सुखाना है। इन्हें आप आराम से घर में सुखा सकते हैं फैन के नीचे। अगर गर्मी का मौसम है तो जल्दी सूख जाएंगी, अगर ठंडियों का मौसम है तो टाइम लगेगा, पर ये फैन के नीचे ही सूख जाते हैं। एक दिन में बहुत ही आसानी से सूख जाएंगे। ये देखिए इसी तरह आप सारे बना लीजिएगा। ये देखिए मैंने सारे बना के इस तरह फैन के नीचे सुखा लिया है। और ये देखिए दो दिन हो चुके हैं और मेरे पापड़ बिल्कुल अच्छी तरह सूख चुके हैं। ये देखिए कितनी अच्छी तरह बन रहे हैं हमारे पापड़ फूल के और ये बिल्कुल क्रिस्प बनेंगे।
ये देखिए इसी तरह पापड़ बनाइए और खाइएगा। ये देखिए पापड़ कितने क्रिस्प बने हैं, बहुत ही आसानी से घर में बन जाते हैं, किसी भी मौसम में बना सकते हैं और आसानी से इन्हें सुखा भी सकते हैं। आप चाहे तो इसके ऊपर ब्लैक सॉल्ट को छिड़क के भी खा सकते हैं। वीडियो कैसे लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।